एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कार्तिक एंड यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। सो गाइज, सुबह सुबह ही मैं तैयार होकर चल पड़ा हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ, और थोड़ी सी मुझे लेट हो रही है क्योंकि कल भी बस में सीट नहीं थी और मेरे को खड़े खड़े जाना पड़ा था। तो जल्दी चलते हैं, फिर मिलता हूँ आपको आगे, और आगे आप लोगों से और बातें भी करता हूँ। यूनिवर्सिटी वहाँ उस सामने वाली पहाड़ी पे, वहाँ जाना है मेरे को। तो चलते हैं, कहीं बस चली ना जाए क्योंकि कल भी बस जल्दी चली गई थी। हमारी बस आज समर हिल चौक तक ही आई, उसके बाद उसको कहीं और भी जाना था इसलिए हमें नीचे उतारा गया, नहीं तो हम लाइब्रेरी के पास ही उतरते हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ, और ये है ज्ञानपथ। ज्ञानपथ कहा जाता है इसे। लाइब्रेरी में धूप की जगह पे बैठने का मज़ा ही अलग है। थोड़ी थोड़ी सी धूप पड़ हुई है, बहुत अच्छा फील आता है, पढ़ने का भी मज़ा आता है, और काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है मेरे को सुबह। करने के लिए थालियाँ देख सकते हो कितनी सारी आ गई है, बट हमारा खाना ही नहीं आ रहा है, और सभी अभी अपने अपने फ़ोन पे लगे हैं। दो प्लेट्स आ गई हैं, और यहाँ आंचल बहुत यहाँ पे वेट कर रही है, और दो लोग हमारे दिखाई नहीं दे रहे पर वहाँ गए हैं पता करने के लिए कि खाना देंगे आज हमारे को कि नहीं देंगे कैफेटेरिया में। बट मैं लेके आया हूँ लंच, बट सबका खाना नहीं आ रहा तो हम वेट कर रहे हैं। कैफेटेरिया की फ्री की चटनी का यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ पे डाली जा रही है लाल चटनी, बिल्कुल ये देखिए। सच में यहाँ भी एड खत्म हो जाएगी पर यहाँ खाना नहीं आएगा, और चटनी हम इतनी सारी ले आते हैं फ्री की। हाँ खाना लाया है, ये दीदी सब ये हाफ है, हाफ या फुल? ये हमारी अब पता नहीं भाई, खा लो जितने खाना। फाइनली खाना आ चुका है, फाइनली हमारा खाना आ गया है, और अभिषेक वहाँ से लेके आया। देखो खाना चाय नहीं आई हमारी, जो HPU के अंदर हॉस्टल बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल है वहाँ पे। एक्चुअली मेरी ना पाँव में सुबह कुछ हो गया, मुझे ऐसे थोड़ी सी दर्द सी हो रही है, तो अभी डॉक्टर को दिखाते हैं क्या बोलते हैं वो, फिर मूव वगैरह लगा लेंगे। मिल चुकी है यहाँ पे दवाइयाँ, तो उसे नहीं बोला कि थोड़ा सा रेस्ट करना जो डॉक्टर थे, और ये दवाइयाँ दी है कुछ सुबह शाम खाने के लिए, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आज है रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती, तो उसके उपलक्ष्य पर ABBP ने यहाँ पे रस्साकसी जो है कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करा है। तो आई थिंक ये हो भी गया है यहाँ पे, हम लेट हो चुके हैं कि अभी है कोई राउंड पता नहीं, देखते हैं। अभी इसके बाद मेहंदी कंपटीशन भी है कोई। हमारा ऑडिटोरियम है, और अभी जा रहे हैं हम एडमिन ब्लॉक की तरफ, तो वहाँ पर कुछ काम था तो वो कराते हैं, उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। यहाँ हमारा एडमिन ब्लॉक, यहाँ पे जहाँ पे बहुत टाइम लगता है काम कराने के लिए, और लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। थोड़ी देर बैठते हैं धूप में क्योंकि बहुत ठंड लग रही है, मतलब थोड़ी देर मन कर रहा है कि हम धूप का आनंद लें। चलते हैं, तो जाओ रखो। यहाँ पे चला हुआ है मेहंदी कॉम्पिटिशन, तो जिसका जहाँ मन है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, और सुंदर सुंदर मेहंदी यहाँ पे लगाई जा रही है। लाइब्रेरी से हम आ गए हैं, अभी जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए भैया के साथ, और ऐसा है कि मुझे हॉस्टल नहीं मिला क्योंकि मेरे और एक अभिषेक नाम का लड़का था, तो हम दोनों के सेम मार्क्स थे, लेकिन अगर सेम मार्क्स होते हैं तो उसमें एज फैक्टर देखा जाता है, तो एज में वो हम मेरे से 2 साल बड़े थे, तो इसलिए उनको हॉस्टल मिला, मुझे नहीं मिला। तो कल गए थे हम रूम देखने भी, तो रूम हमने फाइनलाइज़ कर दिया है, तो अगले हफ्ते मैं जो है शिफ्ट कर दूँगा वहाँ पर। तो हमारे साथ अभी पंकज भी आएगा, उसको हॉस्टल मिला है, तो उससे पूछते हैं कि उसको कितनी खुशी हो रही है हॉस्टल मिलने से, और मुझे तो बहुत गम है। चलते हैं, ये है आइसडोल की कैंटीन यहाँ पे, तो अभी इसमें चलते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है। उतने को मेरी बस भी जाने वाली है, तो जल्दी पीते हैं चाय। तो नहीं आया चाय पीने के लिए, उससे करेंगे कभी अगले ब्लॉग में बात। तो अभी चलते हैं बस के पास क्योंकि बस चली गई, तो मैं कैसे कैसे पहुंचूंगा मैं ही जानता हूँ, क्योंकि बिना बस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चलते हैं, आपको ये सुंदर सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तो महात्मा गांधी जी जब शिमला आए थे तो वो यहाँ पे रुके थे। ये एक स्मारक है,
यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने 1921 से 40 के दौरान विभिन्न बैठकें और चर्चा शिमला में आए थे, उनमें से यहाँ पे भी आए थे। तो वैसे मुझे हॉस्टल चाहिए था, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ जिस दिन कि भाई मुझे पता चला कि अभिषेक को जो है हॉस्टल मिल गया। उस दिन मुझे सच बताऊँ तो एक नंबर की वैल्यू पता चली कि काश अगर मेरे एक नंबर ज़्यादा होते तो मुझे हॉस्टल मिल जाता। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि प्लीज़ एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छी रखें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। आखिर तो भगवान ही जानता है सब कुछ, जो करना है वही करते हैं। ये हमारी बसेस और ये जा रही है महली एरावत, और ऐसे ऐसे बसेस हैं, और चैतन्य जा रही है संजौली, ऐसे ऐसे नाम है सारे, नीलास चैतन्य, बट मैं जाऊंगा अलकनंदा में क्योंकि वो अच्छी रहती है। देखते हैं क्या बनता है। HPU का फैकल्टी गेस्ट हाउस है, तो काफ़ी अच्छा है गेस्ट हाउस भी यहाँ पे। हम चलते हैं बस में ही, बस में बैठते हैं थोड़ी सी देर। अगर आप शिमला में हो और आपको जाम ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी जाम लग गया है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। जाम लगने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, तो अभी चलना है मुझे 30 मिनट्स। तो इस व्लॉग में इतना ही, आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि यूनिवर्सिटी लाइफ किस तरह से रहती है। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।